कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम, इसके मोड्स होते हैं नॉर्मल मोड, फायर मोड एंड जब CO का लेवल बढ़ता है तो, ठीक है। तो अभी आप देखो नॉर्मली वो CO सेंसर था, ये कार पार्किंग के बीच का पैसेज है, दोनों तरफ से कार्स लगे होते हैं, तो हम लोग इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग में क्या है कि हमारे पास ये CO है, हमने क्या किया कि CO का जो कैप है वो CO सेंसर के इनलेट पर रखा जहाँ से वो सेंस करता है, और इधर से हम लोग CO क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो जैसे CO इधर से निकलेगा तो CO का लेवल बढ़ेगा, देखो लेवल बढ़ रहा है 30, 37, ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट में इसको मैंने दिखाया है। तो 70 बढ़ा, तो मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही 60 का लेवल बढ़ेगा हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा। तो देखो ऊपर में एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया, साउंड शायद नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ साउंड क्यों नहीं आ रहा, अगर है तो मैं साउंड डालता हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो अब ये साउंड देने लगा, यानी कि हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया। तो एक जोन में हमारा 3 भी फैन हो सकता है, 10 भी फैन हो सकता है। तो अभी क्या है कि CO का लेवल 60 से जैसे बढ़ा, हमारा फैन फुल स्पीड में चलने लगा, जेट फैंस और सप्लाई और एग्जॉस्ट फैन, तो अपना वो वेंटिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारा जेट फैन ऊपर में लगा हुआ है, तो क्या होता है कि CO सेंसर हमारा PLC पैनल है, उसको सिग्नल देता है कि CO का लेवल इतना बढ़ा गया, उसका डेटा उधर रीड करेगा और फिर कंट्रोलर उसको सिग्नल देगा कि जेट फैंस फुल स्पीड में चालू हो जा। तो अभी हमने दिखाया कि ये इस तरह से CO का लेवल बढ़ा और जेट फैंस चालू हो गया। तो ग्रेस्टोन का CO सेंसर है, अभी ये 200 तक जाएगा और फुल स्पीड में चलेगा, और जैसे ही इसका लेवल 200 से नीचे की तरफ आएगा तो हमारा जेट फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अभी CO का लेवल उतना था तो फैन स्पीड में चला, अभी देखो CO का लेवल 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, जैसे ही CO का लेवल कम हो जाएगा ऑटोमेटिक वो सेंसर सिग्नल देगा और PLC पैनल से जेट फैन को बंद कर देगा। चलो अब आगे समझते हैं डिज़ाइन पैरामीटर्स का। तो जो हमारा कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है वो या तो NFPA 88 नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 88 कोड के अकॉर्डिंग बनता है, या एसरे वेंटिलेशन जो कोड है 62.1 या 62.61.1 के अकॉर्डिंग। तो ये जो पिलर्स है उसमें CO सेंसर्स लगा होता है, तो जहाँ पे गाड़ी होती है जो धुआं निकलता है तो CO का लेवल डिटेक्ट करेगा और सेंसर के पास में PLC पैनल को देगा, और देखो जेट फैंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा और जेट फैन से हवा को सक करके एक जगह से दूसरी जगह हवा को थ्रस्ट करेगा, और उस तरह से एग्जॉस्ट शाफ्ट से या एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ से हमारा रैम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये देखो एक बेसिक डिज़ाइन है, उसमें दिखाया गया कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड में है वो हमारा क्या है, सप्लाई फ्रेश एयर, ऊपर से OTS ओपन टू स्काई रहता है, हर जगह ओपन टू स्काई ही बनाया जाता है, वैसे डिज़ाइन ही आप देखेंगे जो रैंप होता है तो ओपन टू स्काई है ना। तो सप्लाई फैन से हवा नीचे की तरफ आया और ये सारे एग्जॉस्ट फैन नीचे में लगे हुए, अलग अलग लेवल पे लगा हुआ, एक फ्लोर दो फ्लोर बट साफ्ट एक ही रहता है, ठीक है। तो इधर से हवा आया और हवा आने के बाद में ये देखो एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ से एग्जॉस्ट साफ्ट की तरफ से फिर आसमान में ओपन टू स्काई वाले एरिया से चला गया। तो NFPA 88 के अकॉर्डिंग 6 ACH 6 एयर चेंज पर आवर के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं, मतलब पूरा जो ACH समझिए उसको एक सेकेंड वीडियो में बनाएंगे, ACH क्या होता है, ठीक है, एयर चेंज पर आवर। तो जैसे ऑफिस है तो वहाँ पे ACH हमारे 4 लेते हैं, रूम के लिए 4, 5, 6 लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जेट फैन से वो क्या करता है, हवा को थ्रस्ट करता है, सक करेगा आगे के थ्रस्ट करते जाएगा, बाद में एग्जॉस्ट फैन उसको ऊपर की तरफ ओपन टू स्काई में लेके फेंक देगा। तो जेट फैंस का जो हमारा वेलोसिटी होता है दिखा, अभी देखो एक मैंने लेआउट लिया है उसमें दिखाया है कि जेट फैंस बीच बीच में लगे हुए हैं और ये हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है उस तरफ है, जेट फैन इस तरफ है। तो जो हमारा जो डिज़ाइन होता है वो दो है, एक लीनियर भी होता है सर्कुलर भी होता है, बट मैंने दिखाया कि एग्जॉस्ट फैन है। तो ये देखो हमारा एग्जॉस्ट फैन और सप्लाई फैन है। तो ये देखो अभी अभी क्या है कि कंट्रोलर पैनल है बीच में लेफ्ट वाले, ऊपर में हमने CO सेंसर है, जेट फैंस है, मेन सप्लाई फैन है और मेन एग्जॉस्ट फैन है। तो क्या करेगा, CO सेंसर से सिग्नल लेगा कि सेंस करके कंट्रोलर जेट फैन को चालू करेगा, अगर 60 PPM से ऊपर गया 15 मिनट तक तो सप्लाई फैन और एग्जॉस्ट फैन दोनों 100% स्पीड में और जेट फैन भी हमारा 100% स्पीड में चालू होगा। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा शाफ्ट होता है दो तरह से, हवा के ठीक पैरेलल में बनाया गया है या हवा के परपेंडिकुलर में, तो ये लीनियर फ्लो है। अभी क्या कि एग्जॉस्ट से हवा को लेगा और ये क्या करेगा कि हवा को देखो ये जेट फैंस लगे हुए लेकर के फेंक देगा, और दूसरा ये सर्कुलेशन फ्लो मतलब कि उसके परपेंडिकुलर में जो जेट फैंस लगे हुए हैं उसके फ्लो के परपेंडिकुलर में शाफ्ट लगाया। तो दोनों तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इज पर द कंसल्टेंट, जो उनको अच्छा लगे। जब CFD हम लोग करते हैं ना
तो उसके टाइम ये देखो हमारा पैनल है, किसका पैनल, जेट फैन कंट्रोल पैनल, यहाँ पे सिग्नल आता है और यहाँ से वो लोग फैन को चालू बंद वैसे करते हैं, ठीक है, जेट फैंस का। और ये VFD टाइप का है देखो, तो बोले थे ना CFD फ्लूड, यस, तो सर्कुलर या तो फैन सिलेक्शन के लिए मैंने बताया था कि 5 न्यूटन का होना चाहिए पर 1000 स्क्वायर फीट में, ये 5 न्यूटन का हमारा वो फैन का सिलेक्शन होना चाहिए और उसका जो थ्रस्ट होना चाहिए वो 25 होना चाहिए, ठीक है। वो अलग अलग फ़ैन के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। ये तो कोई VFD पैनल है, स्टार्टर पैनल है और आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये तो समझ गए बेसिक चीज़। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है कि अभी बोला कौन सा फ़ैन कब चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको, तो देखो CU के लेवल के अकॉर्डिंग ही हमारे तीनों फैंस चलते हैं। अगर CU का लेवल 30 से कम होगा तो एग्जॉस्ट फैन भी चलेगा, सप्लाई फ़ैन चलेगा, जेट फैन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो 12 हमने हर्ट्ज लिखा है, देखो दोनों चल रहा है, 12 हर्ट्ज का मतलब वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के जेट फैन जो हमारा एग्जॉस्ट और सप्लाई फैन डिज़ाइन किया है, 1 है 5 है 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर्ट्ज सेट करते हैं कि एट द सेम टाइम 5 चलेगा। अच्छा 30 और 50 PPM हो लेकिन 50 से नीचे हो तो उसमें एग्जॉस्ट फैन भी चलेगा, सप्लाई तो चलेगा ही, बट हमारा जेट फैन भी स्लोली मोड में चलता रहेगा। लेकिन लेकिन जो थर्ड वाला केस है उसमें 50 PPM से पार्ट्स पर मिलियन से जो डस्ट पार्टिकल है, CO का लेवल है, पोल्यूटेंट है, बढ़ेगा तो हमारा एग्जॉस्ट फैन, सप्लाई फैन और जेट फैन तो चलेगा ही, बट किसी स्पीड में चलेगा, फुल स्पीड में 50 हर्ट्ज पे चलेगा। तो ये हमारा नॉर्मल मोड में बताया। और ये CO लेवल के केस में कैसे कैसे चलेगा, नॉर्मल मोड में जेट फैंस नहीं चलता हो, बस सप्लाई और एग्जॉस्ट फैन 6 ACH पे चलता है। लेकिन फायर के केस में अब आते हैं जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फायर मोड। तो फायर मोड में हमारा जो चलता है वो 10 ACH पे चलता है, यानी कि ज़्यादा CFM लेकर के बाहर निकलेगा। एयर चेंज पावर आपको पता होगा, नहीं तो एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा ACH क्या होता है, एयर चेंज पावर। तो वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन में ACH बहुत कंसीडर किया जाए, तभी डिज़ाइन किया था। तो फायर मोड में एग्जॉस्ट फैन चलेगा, सप्लाई कभी नहीं चलेगा और जेट फैन तो चलना ही चलना है, तभी तो यहाँ का स्मोक लेकर के बाहर की तरफ एग्जॉस्ट आपसे बाहर की तरफ निकाल देगा। तो यह हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन था। तो नॉर्मली जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं, या ISRI के अकॉर्डिंग करें या NFPA के करें, नेशनल फायर प्रोटेक्शन 88A या ISRI एयर हैंड जो हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग है 62। तो अभी देखो अभी क्या होता है कि CO का लेवल हम लोगों ने डिटेक्ट किया, ये CO सेंसर डिटेक्ट किया और सारे CO सेंसर क्या हुआ, ये सिग्नल देगा आपको PLC पैनल को, PLC पैनल इसको स्टार्ट कर दिया। ये देखो अभी हमारा एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद में स्मोक पोल सक करेगा, सक करने के बाद थ्रस्ट किया। इनके बीच की दूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से डिज़ाइन करते हो, उसका थ्रस्ट कैपेसिटी कितना, 25 न्यूटन है, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो नॉर्मली 30 है हमारे प्रोजेक्ट का, 30 न्यूटन। और फ्लैग मोड का हम लोगों ने फ़ैन यूज़ किया और ये हमारा मुंबई का प्रोजेक्ट है, ACH हम लोगों ने जो भी लिया इस पर द क्लाइंट है, ठीक है। तो समझा, अभी देखो सारे स्मोक को ये क्या किया, सक किया और एग्जॉस्ट से ऊपर की तरफ फेंक दिया। जो हमारा एग्जॉस्ट वाला पार्ट है वो क्या करेगा, सारे स्मोक को सक करेगा, सक करने के बाद में ऊपर की तरफ फेंक देगा और सप्लाई फैन उसको देता रहेगा, किस केस में, जब 50 PPM के ऊपर होते, ठीक है। तो इस तरह से देखो चार हर जगह आपको दिख रहा है कि किस तरह से इसका एनिमेशन है, कैसे काम कर रहा है, यही एक्चुअल है। तो ये ख़त्म हुआ। अब फायर की बात करते हैं, देखो फायर में धुआं धुआं काला दिख रहा है, फायर के केस में सप्लाई फैन बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट और जेट फैन 100% स्पीड में चलेगा जब तक कि CO का लेवल हमारा 50 के नीचे 30 के नीचे नहीं चले है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्टडी। थैंक यू फॉर योर प्रेसियस टाइम।